उसने अपनी वाइफ मेरी बहन मंजू का मर्डर किया है और ये बात मैं बहुत जल्दी प्रूव भी कर दूंगी। सर, सोहेल की सिस्टर इन लॉ आई है मौसमी, आपसे मिलना चाहती है। बुलाओ सर। सर। तो आप ये मानती हैं कि मंजू ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ था, यही कहने आई ना आप यहाँ? जी, मंजू का मर्डर उसके पति सुहेल ने किया है। लेकिन वो अपनी बीवी को क्यों मारेगा? वो मंजू से दहेज की डिमांड करता था। 498A का केस फाइल कीजिए उसके खिलाफ। आपका मतलब है कि जो आदमी संपन्न सक्सेसफुल टीवी होस्ट है, महीने के लाखों रुपए कमाता है, उसने अपनी बीवी को दहेज के लिए मार दिया? लालची आदमी का पेट करोड़ों कमा करके भी नहीं भरता है सर। मैंने खुद उसे $10-20,000 कई बार दिए हैं और जो घर उसने अपने नाम कर रखा है उसको खरीदने के भी पैसे मैंने ही उसे दिए थे। सुहेल ने आपसे दहेज मांगा और आपने उसे पैसे दिए, इसका कोई सबूत है आपके पास? सर, प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बहन का मर्डर उसी ने किया है। अरेस्ट हिम, ही इज अ क्रिमिनल। जो आदमी एक खूंखार अपराधी को पकड़वाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है, आप उसे क्रिमिनल कह रही हैं? आप जानती हैं आप किस पर एलिगेशन लगा रही हैं? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो आदमी क्या चीज है। उसने मेरी बहन का मर्डर किया है और आप उसे महात्मा समझने की भूल कर रहे हैं। और आपके पेरेंट्स, आपका भाई, उन्होंने तो कोई भी इस तरह का बयान नहीं दिया, बल्कि मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही इशारा कर रही है कि मंजू ने आत्महत्या की। मंजू की बॉडी एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टरों में से 2 का मानना यह है कि मंजू के जख्म सेल्फ सस्टेन्ड है, यानी कि मंजू ने खुद पर चाकू से वार किया है। और मौके वारदात पर जो में चाकू बरामद हुए हैं उसमें कहीं भी सोहेल के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। और इस हादसे के 3 महीने बाद आप अचानक से आकर ये कहती हैं कि मंजू ने आत्महत्या नहीं की, सोहेल ने उसका मर्डर किया है, वो भी दहेज के लिए, तो ऐसे तो हम आपकी बात नहीं मान लेंगे। मंजू का पोस्टमार्टम करने वाले 3 में से 1 डॉक्टर का मानना तो ये भी है कि मंजू के जख्म सेल्फ सस्टेन नहीं थे, और अगर ऐसा है तो 33.33% चांसेस है कि मंजू का मर्डर हुआ है। और रही बात मेरे पेरेंट्स और भाई की, तो सोहेल ने उन्हें शीशे में उतार रखा है, लेकिन मैं उसे आईना दिखाने आई हूँ। मुझे पता है कि उसने मेरी बहन का मर्डर किया है। आई एम श्योर अबाउट इट एंड आई विल कन्विंस यू फॉर दिस। सर, मौसमी की बातों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। असल में मंजू को खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए उल्टा सीधा सोच रही है। लेकिन आपकी बेटी मौसमी मंजू के पति सुहेल पर मंजू के मर्डर का एलिगेशन लगा रही है। सर, मौसमी सुहेल जी से शुरू से ही चिढ़ती थी। लेकिन बेटा, मौसमी जो भी कह रही है वो ऐसे ही तो नहीं कह रही होगी ना। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार उसकी बात सुन लेने में क्या हर्ज है? हर्ज है? वो बात का पतंगड़ बना रही है। चाहती क्या वो कि अन्या अपने बाप की परवरिश से भी महरूम हो जाए? यादव, तुझे पता है जो शो मैं होस्ट करता हूं उसका आइडिया मैंने और मंजू ने मिलकर सोचा था। मंजू वो नंदी वाली फाइल बनाने बोली थी मैंने तुम्हें। ये तो रही सुहेल। रेडी हो गई है? हाँ। हाँ? क्या हुआ? मंजू, क्या लगता है तुमको, हम अपने मोस्ट वांटेड मिशन में सक्सेसफुल तो हो जाएंगे ना? सुहेल, जिन कामों को अच्छी नीयत से किया जाता है ना, उनमें सक्सेस जरूर मिलती है। अच्छा। मंजू, रेडी रेडी रेडी, बस बहुत हो गया, चलो अब कॉफी पियो, उसके बाद ही रिहर्सल करते। कम ऑन। सुहेल, मुझसे नहीं होगा ये, तुमने लिखा है तुम करो ना, तुम ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अरे थोड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं। मुश्किल नहीं, तुम यहां पर आओ, इसको रख दो। अच्छा, एक सेकंड, वो तो वो हो गया, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ओके, अच्छा आई विल ट्राई। ठीक है, गुड। ओके, रोलिंग इन एक्शन। हिंदुस्तान के सबसे हैरतअंगेज शो मोस्ट वांटेड में मैं मंजू श्यामसी
आपका खैर मकदम करती हूँ। इस शो के जरिए हम आपके साथ उन वांटेड क्रिमिनल्स की तलाश करेंगे जिन्हें हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। इस शो के पायलट में मंजू ने एंकरिंग की थी। सच में सर? ये तो मुझे भी नहीं पता था। पता तो मुझे भी नहीं था कि एक दिन मैं उसकी जगह ले लूंगा। सर छोटा मुंह बड़ी बात, पर ऊपर वाला सबकी जिंदगी पहले ही मुकर्रर कर देता है। पर जो एक दूसरे की जिंदगी की वजह हो, वो उन्हें अगर उनकी मौत की वजह बना दे तो नाइंसाफी होगी ना? नाइंसाफी तो मंजू के साथ हुई है, और जब तक मैं उसके हत्यारे को सलाखों के पीछे नहीं करवा देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहीं ये सब करके आप सुहेल से कोई खास चिढ़ या कोई दुश्मनी तो नहीं निकाल रही है? चिढ़ और दुश्मनी तो उसने मंजू के साथ निकाली है सर। सुहेल और मंजू ने लव मैरिज की थी, और हमें अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये बात साफ कर सके कि मंजू अपनी शादी से खुश नहीं थी। अगर आप ये मान रहे हैं कि मंजू ने सुसाइड करी, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कोई इंसान खुशी खुशी सुसाइड नहीं करता है? उस सुहेल ने मंजू को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया था। तो आपका मतलब है कि सुहेल ने उकसाया था मंजू को सुसाइड के लिए, लेकिन अभी तक आप ये कह रही थी कि मंजू का मर्डर हुआ था। कह तो मैं अब भी यही रही हूँ, लेकिन आप मान कहाँ रहे? लेकिन सिर्फ आपके कहने से तो नहीं मान लेंगे ना? आपकी तसल्ली के लिए मैं प्रूफ ले करके आई हूँ। ये इंडिया से US की टिकट है जो मैंने मंजू के लिए करवाई थी। वो सुहेल को छोड़कर मेरे पास US आना चाहती थी, लेकिन उस रात सुहेल ने मुझे मंजू से फोन पर बात तक नहीं करने दी। मंजू US नहीं आएगी दीदी, उसका दिमाग खराब हो गया जो उसने आपसे टिकट बुक करवाई। माइंड योर लैंग्वेज सुहेल, मेरी बात करा मंजू से। आपको जो बोलना है ना मुझसे बोल दीजिए। दीदी मुझे आपके पास बुला लो प्लीज, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। भैया को और पापा को भी इसने अपने बस में कर लिया है। दीदी दीदी प्लीज मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मंजू मंजू, हेलो हेलो, मैंने कई बार फोन ट्राई किया लेकिन फोन नहीं लगा। और उस रात जब मुझे मंजू के सुसाइड की न्यूज मिली, मैं तभी समझ गई थी। मतलब सुसाइड के अगले दिन ही आपको शक हो गया था कि वो मर्डर था। फिर सुहेल पर शक 3 महीने बाद क्यों? सर मैं इंडिया से बाहर थी। लेकिन कोई फोन, मेल, फैक्स? आप चाहती तो ये इन्फॉर्मेशन हम तक आसानी से पहुंचा सकती थी। और चलिए मान लिया कि सुसाइड वाली रात आपकी मंजू से फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसी रात 2.5 घंटे पहले मंजू आपके पेरेंट के साथ थी, लेकिन उन्होंने तो कोई शक नहीं जताया। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, हम आपकी तसल्ली के लिए आपके साथ आपके पेरेंट्स से एक बार फिर पूछताछ करते हैं। अगर उन्हें आपने कन्विंस कर लिया तो ये फ्लाइट की टिकट क्या, जो सबूत होंगे वो हम खुद ढूंढ लेंगे। सर मंजू जब तक यहाँ थी, ना तो उसने हमें अपने US जाने के बारे में कभी कुछ बताया, और ना ही उसे देख के हमें कभी ऐसा लगा कि वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगी। वही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर किया है सुहेल ने। मूड स्विंग्स हो जाते हैं मंजू को, आपको पता है। एक बार पहले भी उसने, हाँ पहले भी उसने सुहेल से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसका मर्डर हुआ है सुहेल ने किया है। और इस बात की भनक मुझे तभी लग गई थी जब सुहेल ने मेरा फोन कट किया था। अरे हमें यहाँ बैठे भनक तक नहीं लगी, और तुझे वहाँ हजारों किलोमीटर दूर बैठे पता भी चल गया कि मंजू का मर्डर हुआ है? क्यों तिल का ताड़ बना रही है? मैं तिल का ताड़ नहीं बना रही हूँ, बल्कि आप तूफान को हवा का झोंका समझ रहे हैं। मंजू की आत्मा कोस रही है आप सबको, और आप लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। आप ना पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक काम करिए, आप वापस US जाइए। US नहीं जाऊंगी, कोर्ट जाऊंगी, वो भी सुहेल के खिलाफ। सर सुहेल ने इन लोगों की आंखों पर अपनी झूठी अच्छाई की पट्टी बांध रखी है। मैं कह रही हूँ ना, वो मेरी बहन का हत्यारा है तो है। सर आप मेरी FIR लिखिए और उसे अरेस्ट कीजिए। अरे कोई अरेस्ट वेस्ट नहीं होगा, और ना कोई केस करेगा। माँ कोई मेरी बात माने या ना माने, लेकिन आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। हालांकि मौसमी के घर वाले उसका भरोसा नहीं कर रहे थे, पर उसके आरोप मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे थे, और मीडिया सुहेल से सफाई मांग रही थी। सर आप पे जो आरोप लगाए गए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो भी आरोप मुझ पर लगाए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। मैंने और मंजू ने लव मैरिज की थी, और शादी से लेकर लास्ट ईयर वसंत विहार के घर खरीदने तक सारा खर्चा मैंने बियर किया है। हम उस घर में उस हादसे से 2 महीना पहले शिफ्ट हुए थे। इनफैक्ट नए घर का सारा इंटीरियर मंजू ने अपनी पसंद से करवाया था,
और उनकी बड़ी बहन बोल रही है कि मैंने दहेज के नाम पे पैसे मांगे। झूठ बोल रही है वो। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगी? पता नहीं, शायद घर में उनको किसी बात की तवज्जो नहीं मिली, इसलिए। उनके पति की मौत के बाद से यूएस में अकेली पड़ गई थी वो, और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो मेरी पत्नी को इंस्टिगेट कर रही थी मुझे छोड़ने के लिए, और अब मुझे तंग करने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं। लेकिन उन्होंने सुसाइड तो किया है, इसका मतलब ये निकलता है कि वो आपके साथ खुश नहीं थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी नाकामी है कि मैं उसे ये स्टेप लेने से रोक नहीं पाया, लेकिन उनकी बहन ने उनको इतना नेगेटिव बना दिया था कि वो गुस्से में आपा खो बैठी और ये स्टेप उठा बैठी। लेकिन उनकी बहन का मेन मकसद ये है कि वो मेरी बेटी अनन्या की कस्टडी चाहती है। थैंक यू। बेचारे के पीछे पड़ गए हैं सबके सब। कमबख्त को समझाया था मैंने कि गैर मजहबी लोगों से ताल्लुकात मत बना, लेकिन नहीं, अपने हाथों से आफत को दावत दिया है इसने। अनन्या बेटा, अनन्या। सोहेल बेटा, एक बार और सोच लेते। सोच लिया पापा। अब तो मैं ये सामान रखा था। प्रवीण भाई, प्लीज जाने दीजिए। यकीन मानिए, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बस मौसमी दी, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है पापा। पर बेटा ऐसे पापा, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरा ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा है, इस बात का मुझे भी उतना ही दुख है जितना कि आप लोगों का है। मैं सिर्फ अनन्या की खुशी के लिए यहाँ पर रह रहा था, लेकिन अब बेहतरी इसी में है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं पापा। अनन्या। हाँ बेटा, मम्मी के पास जाएंगे बेटा, मम्मी के पास। मम्मी। मौसमी दीदी को इतना जरूर समझा देना पापा कि वो अनन्या को मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। Are you sure? हमारी पिटीशन फाइल होगी? I hope. सुहेल शमसी को अंदर जाने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। एक्चुअली सर, मंजू शमसी की सिस्टर मौसमी जी ने अपना कंसर्न बसंत बिहार पुलिस से शेयर किया था, लेकिन उन्होंने इनके एलिगेशन को सीरियसली नहीं लिया। हाउ डू यू नो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, जबकि वसंत विहार पुलिस का इसके पीछे कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। आई नो अबाउट द केस। सर, मैं वो डोंट हेजिटेट, अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो खुल के बोलिए। सर, मैं मानती हूँ कि मंजू ने लव मैरिज की थी, मगर शादी के बाद से ही दोनों का रिश्ता लगातार बिगड़ता जा रहा था। शादी के 2 साल बाद से ही सुहेल ने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए थे। वो मंजू को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। मैं यूएस में थी और मंजू यहाँ अकेली पड़ती जा रही थी। दीदी, अब तो वो मुझ पे हाथ भी उठाने लग गया है। दीदी, तुम सही बोलती थी, मैं ही उसे परख नहीं पाई, मैं ही समझ नहीं पाई उसे। मंजू, तो बिल्कुल भी घबरा मत, मैं जल्द से जल्द इंडिया आती हूँ। नहीं, आप बताओ, मुझे वहाँ बुला लो, मुझे नहीं रहना है सुहेल के साथ यहाँ। आई विल डिवोर्स हिम। सर, उसने सुहेल को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था, बट पता नहीं सुहेल ने ऐसा क्या जादू किया कि उसने डिवोर्स फाइल नहीं किया। फिर 1 साल बाद पता चला कि सुहेल और मंजू सुहेल की फैमिली के साथ रहने लगे थे। मम्मी, आशा को तो आपका बाप बना, आज शाम को बनाती हूँ। क्या है ये? हाँ, अरे आप घर की बहू है, वो कोई तौर तरीके सिखाओ घर के उसको। ऐसे खुले सर कोई बाहर जाता है क्या? अब्बू, भाभी जान को हम ही पसंद नहीं, तो हमारे तौर तरीके कहाँ से पसंद आएंगे? ऐसा मैं नहीं, भाभी कह रही थी सोहेल भाई जान से। अच्छा रुखसाना, इसका मतलब तुम भैया भाभी की बातें छुप छुप के सुनती हो। बहू, अगर ऐसे तेवर तुम दिखाओगी ना तो खुश नहीं रह पाओगी यहाँ पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पता नहीं सुहेल मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है। सुहेल हमारा बेटा है और उसे इतनी आसानी से नहीं छीनने देंगे तुम्हें हम लोग। आप गलत समझ रही हैं मुझे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप सुहेल, प्लीज तुम कुछ बोलो ना, कुछ समझाओ ना। सर, सुहेल अपनी फैमिली की जातियाँ देख करके भी अनदेखा कर रहा था,
मंजू यहाँ जो कुछ भी सह रही थी वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जब इसी सिलसिले में बात करने के लिए इंडिया आई तो वो उल्टा मंजू को ही ब्लेम कर रहा था। मंजू को तो राई का पहाड़ बनाने की आदत है पापा, आप जानते हैं। ये समझने को राजी नहीं कि मेरी अपनी फैमिली के लिए भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये नहीं समझती है तो फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। सिर्फ गुस्सा ही नहीं आता है, तुम हाथ भी उठाने लगे उस पे। बदले में ये भी हाथ उठाती है मुझ पर। तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हो। निधि प्लीज, व्हाट प्लीज? मंजू को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी तुम्हारी, लेकिन अब ये तुम्हारे पेरेंट्स के साथ खुश नहीं है। तो ठीक है, अगर ये मेरी फैमिली के साथ रहने में खुश नहीं है तो हम दोनों अम्मी अब्बू से अलग रहना शुरू कर देंगे, ठीक है? लेकिन आप बीच में मत आइए, ये हमारे घर का मामला है, हम निपटा लेंगे। ये तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। अरे बस मौसमी, मंजू ने सुहेल से शादी अपनी मर्जी से की थी, तुम्हारी मर्जी से नहीं। शी नोज बेटर उसे क्या करना है क्या नहीं। सर, सुहेल ने बड़े ही चालाकी से मेरे पेरेंट्स के दिल में ये बात भर दी थी कि मैं खुद मंजू को डिवोर्स लेने के लिए इंस्टिगेट कर रही थी। वो बहुत चालाक है सर, उसने मंजू को डिवोर्स इसलिए नहीं लेने दिया क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। सर, सुहेल ने कई बार मंजू से दहेज की मांग की। हाँ सर, मंजू अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, उसने ये बातें हमारे पेरेंट्स से भी शेयर नहीं की और सुहेल ने उसे पाई पाई का मोहताज कर दिया था। सुहेल के पास कोई काम नहीं है दीदी, मुझे बोलता है कि पापा से पैसे मांग लो, मना करती हूँ तो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। घर के खर्चे के लिए पैसे मांगती हूँ तो ताना मारता है कि मायके से पैसे ले लो। सर, मैंने खुद मंजू के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर कराए, फिर अचानक से सुहेल के पास पैसा आ गया और वो अपना शो मोस्ट वांटेड बनाने लग गया। सर, उसने मंजू को अपने पास रखने के लिए उसे अपने शो का होस्ट बनाने के ड्रीम्स दिखाए। रोलिंग इन एक्शन। हिंदुस्तान के सबसे हैरत अंगेज शो मोस्ट वांटेड में मैं मंजू शामसी आपका खैर मकदम करती हूँ। इस शो के जरिए हम आपके साथ उन वांटेड क्रिमिनल्स की तलाश करेंगे जिन्हें हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन पायलट पास होते ही वो खुद शो की एंकरिंग करने लगा। वो बहुत ही मैनिपुलेटिव आदमी है, वो मंजू के जज्बातों के साथ सिर्फ खेल रहा था, उसका अफेयर भी हो गया था सर। बस यही कसर बाकी रह गई थी दीदी, वो भी पूरी हो गई। आई लिफ्ट एवरीथिंग फॉर और वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा। अगर अब अकल आ गई हो तो छोड़ दो उसे, वरना वो तुम्हारे साथ साथ अनन्या की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। सर, मंजू सुहेल को डिवोर्स देने का मन बना चुकी थी। उस हादसे से पहले मंजू किस खौफ में थी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उस आदमी ने एक मासूम बच्ची को बिन माँ का कर दिया, वो आदमी खुले में सांस कैसे ले सकता है सर? मंजू और उसकी बेटी अनन्या के लिए इंसाफ कीजिए, आई बेग यू सर। समाज और मीडिया में सुहेल की छवि अपराध और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले की थी, जबकि मौसमी उसके खिलाफ हत्या का केस फाइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इसी दौरान सुहेल एक और विवाद में घिर गया। मामला था यूपी के नामी गैंगस्टर मुस्तफा जहांगीर के एनकाउंटर का, जिसका श्रेय सुहेल अपने आप को और अपने शो मोस्ट वांटेड को दे रहा था। दोस्तों, यही है वो शख्स मुस्तफा जहांगीर जिसके बारे में हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था, और आज हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके शो मोस्ट वांटेड की एक इंफॉर्मेशन की बदौलत यूपी पुलिस ने आखिरकार मुस्तफा जहांगीर का खात्मा कर दिया। इस मुस्तफा जहांगीर की इंफॉर्मेशन हमें अपने रिसोर्स से मिली थी, लेकिन मोस्ट वांटेड शो के होस्ट सोहेल शमसी ये दावा कर रहे हैं कि देखिए, मुस्तफा जहांगीर को पकड़ने के लिए हमारी पूरी टीम पिछले एक साल से काम कर रही है। ये मोस्ट वांटेड शो वाले अपने शो की पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल रहे। कई अपराधियों को पकड़वाने का श्रेय हासिल करने वाले सुहेल शमसी की छाप अब कहीं ना कहीं ढलती जा रही थी, और तभी उसे एक और झटका लगा। क्योंकि सुहेल की बीवी मंजू की मौत अननेचुरल थी और मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई थी, इसलिए मौसमी की अपील पर एसडीएम ने सेक्शन 176 सीआरपीसी के तहत इस मौत को संदिग्ध मानते हुए इसकी दोबारा जांच के आदेश दिए, और इस बार यह केस दिल्ली पुलिस के डीसीपी वीरेंद्र चड्ढा को सौंपा गया। इसके बाद मीडिया ने एक बार फिर से सुहेल का घेराव करना शुरू कर दिया। लेकिन मंजू की बहन ने तो आप पे लगातार आरोप लगाया है, और लॉ एक्सपर्ट का यह कहना है कि ये आरोप अगर मंजू की फैमिली ने लगाया होता तो आप बिना सुनवाई के अभी तक अंदर होते। मंजू के पेरेंट्स मेरी सच्चाई जानते हैं,
वो लोग मेरे साथ। पर मंजू की बहन ने मंजू के पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया तो क्या? दोस्त 498A को लेकर कोर्ट भी चिंता जता चुकी है कि कई लड़की वाले इस लॉ का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब अगर कल को इसी लॉ का इस्तेमाल मेरे खिलाफ होता है तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे जैसा सेलिब्रिटी जिसने हमेशा कानून और कोर्ट का सम्मान किया उसे भी कटघरे के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। पर सेक्शन 176 के तहत आपकी पत्नी के सुसाइड को संदिग्ध मानकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ये तो पता ही होगा आपको। मैं आपको कुछ नहीं पता, आपको हमेशा पति और बेटा ही सही लगे। अगर आपने बेटियों की सुनी होती तो कम से कम मंजू का ये हश्रत ना होता। बेटा मैं सुनती सबकी हूँ, लेकिन तू एक बात बता, क्या तुझे सच में लगता है कि सुहेल जी ने? जीवी कहना बंद करो उसे, वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, और अगर मैं झूठी होती तो SDM साहब मेरी अर्जी तुरंत खारिज कर देते। ये एयर टिकट आपने मंजू के संदिग्ध मौत के 3 दिन पहले बुक कराए थे, लेकिन हमने चेक करवाया था मंजू ने US वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया। सर वो अप्लाई करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सोहेल ने उसे। तो आपका कहने का मतलब है कि सोहेल से वो तलाक चाहती थी लेकिन उन्होंने तलाक फाइल नहीं किया था? सर क्योंकि सोहेल हमेशा उसे बहला फुसला करके रोक लेता था, लेकिन सच तो ये है कि ना वो सोहेल के साथ खुश थी और ना उसकी फैमिली के साथ। इनफैक्ट जब उसे सोहेल के अफेयर के बारे में पता चला तो वो सुहेल को छोड़ने का मन बना चुकी थी। मैंने जब अगस्त 99 में उसे ईद की विश देने के लिए फोन किया था तो उसने फिर से मुझसे कहा था, ईद मुबारक मंजू। आपको भी दीदी। दीदी आपको पता है मुझे आज ईदी में क्या मिला? सुहेल को उस लड़की के साथ देखा मैंने दोबारा। सर सुहेल खुद बाहर अय्याशी कर रहा था और मंजू को अपने घर की चौखट के अंदर बंद करके रखना चाहता था। मैंने मंजू से कहा था कि वो मेरे पास US आ जाए, डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज के लिए हम बाद में अप्लाई कर देंगे। और मैंने जब मंजू के लिए टिकट खरीदा तो मुझे लगा मंजू ने वीजा के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन उसके बाद से मेरी मंजू से कोई बात नहीं हुई। और फिर अगले दिन मैंने माँ से बात की, माँ से कहा कि मंजू को बोले कि वो मुझसे बात करे। अगली रात जब 12 फरवरी को मंजू का फ़ोन आया तो मैंने मौसमी का मैसेज दे दिया था उसको। तो आपको पता था कि पिछले दिनों मंजू और मौसमी में क्या क्या बातचीत हो रही थी? नहीं सर, माँ को बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे और मंजू के बीच क्या बातें हो रही हैं। और सर 12 फरवरी को मुझे मंजू का नहीं सुहेल का कॉल आया था। मंजू US नहीं आएगी दीदी, उसका दिमाग खराब हो गया जो उसने आपसे टिकट बुक करवाई। माइंड योर लैंग्वेज सुहेल, मेरी बात करा मंजू से। और सर उसके बाद सर कई दिनों तक तो मैं सपने से बाहर ही नहीं निकल पाई, और जब मुझे पता चला कि मंजू की मौत को सुसाइड मान लिया गया है तब मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं इंडिया सिर्फ मंजू को इंसाफ दिलवाने आई हूँ। सेक्शन 176 ने 302 के तहत मुझे उस सुहेल को फांसी चढ़वानी है। मंजू की मौत हत्या थी, आत्महत्या थी या फिर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था, इन तीनों संभावनाओं की जांच की जा रही थी। लेकिन पुलिस की पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मानते हुए इसे आत्महत्या ही माना था, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स का यह मानना था कि मंजू की इंजरीज सेल्फ सस्टेन्ड थी। मंजू की बॉडी को एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 का मानना है कि मंजू की इंजरी सेल्फ सस्टेंड थी। मतलब 3 डॉक्टरों में से 2 मानते हैं कि मंजू ने आत्महत्या की। अब मंजू के शव का अंतिम संस्कार भी हो चुका था, पुलिस के लिए केस पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन मौसमी ने इस केस को रीओपन करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने परिवार का सपोर्ट ना मिलने के बावजूद मौसमी ने केस तो रीओपन करवा लिया था, पर उसके दावों में क्या कोई सच्चाई थी यह भी एक सवाल बना हुआ था। सुहेल शमसी अपने शो मोस्ट वांटेड की वजह से हीरो समझा जाता था। उसने लाइफ का वो फेस भी देखा था जब उसे अंडरवर्ल्ड से लगातार जान से मार देने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद अपने शो के माध्यम से वो अपराधियों को खुली चुनौती देकर उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दे रहा था। सुहेल के जज्बे से प्रभावित उसके फैंस और उसके चाहने वाले
सोहेल के खिलाफ मौसमी के एलिगेशन को मौसमी का पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे थे। लेकिन मौसमी की टेस्टिमोनी और उसके वकील द्वारा रखे गए एविडेंस के बेसिस पर कोर्ट ने सोहेल को दहेज उत्पीड़न के आईपीसी सेक्शन 304B, मेंटल हैरेसमेंट के सेक्शन 498A और सबूतों को मिटाने के लिए सेक्शन 201 के तहत केस की सुनवाई करने और सोहेल को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। सोहेल की गिरफ्तारी को मौसमी अपनी पहली जीत समझ रही थी, पर मौसमी के पिता और भाई अब भी सोहेल के पक्ष में खड़े थे। सॉरी बेटा, मैं मौसमी को समझा नहीं पाया। पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे लिए मेरे अब्बू से बढ़कर हैं। आप, मैं निर्दोष हूँ। मेरी लाइफ का सिर्फ एक मकसद है, इस देश को क्राइम और क्रिमिनल से मुक्त करवाना। पूरा देश जानता है पापा, मैं जल्दी बाहर आऊँगा। सोहेल जी, मंजू के बहन के लॉयर का कहना है कि जल्दी ही आप पे दफा 302 का केस लगाएंगी। आप क्या करना चाहते हैं? मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत हैं, झूठ हैं वो। सर, आप मानते हैं कि वो आपको फांसी दिलाने के बाद आपकी बेटी की कस्टडी खुद रखना चाहती है? बिल्कुल। मौसमी अमेरिका में अकेली रहती है, उन्हें वहाँ देखने पूछने वाला कोई भी नहीं। अनन्या को अपनी कस्टडी में लेने के बाद वो अपनी बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती है उसे। मैंने ना मंजू का मर्डर किया है, ना उससे कभी दहेज मांगा है। मेरी कंपनी जो मेरी बेटी के नाम पे है, उसमें 25% शेयर मंजू के थे। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसा गलत काम कर सकता हूँ? जनता बताएगी आप। मौसमी, तू ये ठीक नहीं कर रही है। सुहेल सही कह रहा है, तू ये सब अनन्या की कस्टडी पाने के लिए कर रही है ना? मैं ये सब मंजू को इंसाफ दिलवाने के लिए कर रही हूँ पापा, और अम्मा भी मेरे साथ है। और पापा, अनन्या अब अपने माँ के हत्यारे के साथ कैसे रह सकती है? इसको पालने की जिम्मेदारी भी अब मैं ही उठाऊंगी। सुहेल के जेल जाने के बाद उसके माता पिता ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें ये शक जताया कि मंजू की बहन मौसमी अनन्या को यूएसए लेकर जा सकती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौसमी ने अनन्या को अपने साथ रखने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने इस केस की सुनवाई तक मौसमी को अनन्या से मिलने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उसे दिल्ली से बाहर ना ले जाने का आदेश भी सुनाया। सोहेल के वकील की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार जून 2001 में सोहेल को जमानत मिल गई, लेकिन सोहेल का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे बिना कोर्ट को बताए दिल्ली से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। कोर्ट ने उसे गवाहों और सबूतों को नुकसान ना पहुंचाने का भी आदेश दिया। अनन्या, चलो बेटा घर चलो। अरे कहां लेके जा रहे हैं बच्ची को आप? मैं बाप हूं अनन्या का, और इसे अपने साथ रखने का हक मुझे है। मौसमी को नहीं, बता देना उसको। अरे ठीक है, जब मौसमी आएगी तब बात कर लेना, अभी आप बच्ची को नहीं ले जा सकते। आप यहां से। जी, ये अनन्या के पिता हैं, इनको पूरा हक है बच्ची को अपने साथ रखने का। ले चलो बेटे। अनन्या कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए, अपने घर में। वो एक कातिल के साथ नहीं रह सकती है। एक मिनट, जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की कोशिश नहीं करना। और हाँ, तुम्हारे कह देने से मैं मंजू का कातिल मान नहीं लिया जाऊंगा। कातिल तो तुम हो ही, और ये मैं बहुत जल्दी साबित भी कर दूंगी। और अनन्या की कस्टडी वो भी मुझे ही मिलेगी। अच्छा, ये मत समझो कि कोर्ट सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। अनन्या मेरी बेटी है, और तुम चाहकर भी उसे मुझसे अलग नहीं कर पाओगी, समझी? गेट आउट। सोहेल अनन्या का पिता था, और उसकी शिकायत पर कोर्ट में इस इशू पर फिर से सुनवाई की गई। मौसमी जी ने मेरे घर में आकर मुझे धमकी दी थी कि ये अनन्या की कस्टडी किसी भी हाल में हासिल करके ही रहेंगी, पर अनन्या तो मेरी बेटी है सर, उस पर ये कैसे हक जता सकती है? मंजू की बहन और उसकी मदर अनन्या को यूं जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। अगर उन्हें बच्ची की कस्टडी चाहिए तो उन्हें लीगल तरीके से लेनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने बच्ची को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलाई 2001 में अदालत ने सोहेल को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन यह आदेश भी दिया कि वो कहां जा रहा है इसकी सूचना उसे यात्रा के 2 दिन पहले पुलिस को देनी होगी। पिछले 2 जजमेंट सोहेल का हौसला बढ़ा रहे थे, और मौसमी की अपील को कोर्ट लगातार खारिज कर रहा था। जमानत मिलने के बाद से सोहेल ने अपने मीडिया करियर को
फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाने की भागदौड़ शुरू कर दी। कई मुसीबतों के बाद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी और उसकी बेटी अनन्या अब 8 साल की हो चुकी थी। अम्मी, बेटा आपकी अम्मी की जो बहन है मौसमी मौसी और आपकी नानी, बेटा वो सोचते हैं कि मैंने आपकी अम्मी को मारा। बेटा वो लोग झूठ बोलते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी अम्मी को मारूंगा? मैं नहीं, नहीं ना बेटा, आपकी मौसी और नानी हमसे नफरत करते हैं और वो आपको मुझसे अलग करना चाहते हैं, लेकिन बेटा आई प्रॉमिस यू मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। हमेशा आपके साथ रहूंगा, हमेशा। I love you, अब्बू। Love you too, बेटा। Love you too. हाँ सुकांत। हाँ सुकांत। सर, everything is ready। डर तो नहीं लग रहा है? आपका जज्बा देखकर डरना छोड़ दिया हमने। आपने भी? Come on, let's do it. Yes. ये फिल्म इंडस्ट्री के वो मशहूर चेहरे हैं जिन्हें आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इनका असली चेहरा अब आप देख ही रहे हैं कि ये कैसे भोली भाली मासूम लड़कियों को हीरोइन बनाने का झांसा देकर इनके शोषण की शर्तें रख रहे हैं। आपने जिन एक्टर्स का स्टिंग किया है उनका कहना है कि वो सब आपके साजिश के शिकार हुए हैं, और उनका ये भी कहना है कि आप भी दूध के धूले नहीं है क्योंकि आप पर खुद अपनी पत्नी के मर्डर का आरोप लगा है। लेकिन मुझ पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, पर उन एक्टर्स की असलियत सभी लोग उन वीडियो क्लिप्स में देख चुके हैं। देखिए, मैंने हमेशा क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई है, तो ऐसे झूठे और बेबुनियाद आरोप मेरी इमेज को कभी दागदार नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग सर। लेकिन लेकिन कोई बेबुनियाद आरोप कैसे लगाएगा सर? सर, 2005 में फिल्म्स और टीवी के कुछ नामी चेहरों को एक्सपोज करके सोहेल शमसी एक बार फिर से सुर्खियों में छा रहा था। अपनी खोई हुई पहचान को वापस हासिल करने के लिए वो ऑन कैमरा कई ऐसे काम कर रहा था जो उसे लगातार सुर्खियां दे रहे थे। इसी दौरान सोहेल ने एक ऐसी फिल्म स्क्रिप्ट लिखी जिसमें उसने दहेज कानून का गलत फायदा उठाने वालों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। वहीं मंजू की बहन मौसमी ने भी हार नहीं मानी और उसने 2005 में फिर से सोहेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत सुनवाई करने की अपील कोर्ट में की, लेकिन मौसमी को सफलता नहीं मिली और 2010 में भी ऐसा हुआ। थैंक यू फॉर कमिंग सर। लेकिन लेकिन कोई बेबुनियाद आरोप कैसे लगाएगा सर? मौसमी ने इस केस में कोर्ट से दोबारा अपील की। 2005, 2010 और 2014 में लगातार मौसमी के प्रयास को देखते हुए कोर्ट ने एक बार फिर से मंजू की मौत को संदिग्ध मानकर एक नए सिरे से उसकी जांच करने के आदेश दे दिए और इस बार ये केस दिल्ली के DCP श्रीनिवास शुक्ला को सौंपा गया। सर, मंजू की पोस्टमार्टम एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 का ये मानना था कि उसकी इंजरी सेल्फ सस्टेन्ड थी, लेकिन 1 डॉक्टर का ये कहना भी था कि उसके ऊपर किसी ने वार किया था। शर्मा, केस रीओपन हुआ है इसलिए दूसरे डॉक्टर्स का भी ओपिनियन लेना होगा। मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के लिए नए डॉक्टर्स की टीम बनाओ, हो सकता है पुरानी टीम से कुछ मिस हो गया। ओके सर। सोलंकी। यस सर। मंजू की बड़ी बहन, नाम क्या उसका? सर मौसमी। नहीं, मौसमी की बात नहीं कर रहा, उससे बड़ी भी एक बहन है। सर स्नेहा, लेकिन हादसे के वक्त वो दुबई में थी। सुलंकी, मंजू केस में हर इंसान का स्टेटमेंट लिया गया है, लेकिन इसकी बहन स्नेहा, उसने अपना स्टेटमेंट फैक्स किया था, कभी भी फिजिकली वो सामने नहीं आई ये बयान देने के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर पर्सनली, बुलाओ उसे। ओके सर। सर, इस केस के बारे में मुझे वही सब मालूम है जो मौसमी ने मुझे बताया। मौसमी जो बता चुकी है मुझे वो नहीं जानना है। आई वॉन्ट टू नो कि आप क्या सोचती हैं। सर, मौसमी फील्स की बट व्हाट डू यू फील? फेब 2000 में आपने एक स्टेटमेंट फैक्स की थी जिसमें आपने माना कि आपको नहीं लगता कि मंजू की संदिग्ध मौत में सोहेल का हाथ है। जी सर। क्या आप अब भी अपने बयान पे कायम है? नो सर। तो क्या आपको ये लगता है कि मंजू के मर्डर में सोहेल का हाथ है? I don't know, sir.
डीसीपी श्रीनिवास शुक्ला ने केस के हर एंगल को एक नए दृष्टिकोण से इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन सोहेल पर लगे दहेज उत्पीड़न के आरोपों के साथ साथ ये पॉइंट भी अब तक संदेशपद था कि क्या मंजू सोहेल से वाकई डिवोर्स चाहती थी। और इसकी पुष्टि इस बार मंजू के भाई प्रवीण ने डीसीपी को दिए अपने बयान में की। सर, मंजू ने 1995 या फिर 1996 में सोहेल को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था। इनफैक्ट वो तो यूके मेरे पास आ गई थी, लेकिन तब सोहेल ने उसको कन्विंस किया और उसको वापस इंडिया में ले आया था। मतलब दोनों का रिलेशन काफी टाइम से खराब चल रहा था। लेकिन सर, एक दूसरे से शादी करने का फैसला इनका खुद का था, और हस्बैंड वाइफ के बीच में अनमनी तो होती ही रहती है। सोहेल की नियत को लेकर हमें कभी कोई शक नहीं था। मंजू की संदिग्ध मौत होने के बाद भी? हाँ सर, पापा को भी यही लगता था। सोहेल का ब्रेकडाउन देखने के बाद हमने उस पर कभी कोई शक नहीं किया। हाँ, मौसमी को इतने साल यही लगता रहा कि सोहेल ने मंजू का मर्डर किया है। तो क्या मतलब, अब तुम्हें भी ये लगता है कि सोहेल ने ही मंजू का मर्डर किया है? आई डोंट नो सर, आई हैव नो क्लू। माना कि इस नाइफ पर सोहेल के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, इस नाइफ से मंजू ने खुद पे वार किया था, तो इस पर मंजू के फिंगरप्रिंट्स तो होने चाहिए थे। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस नाइफ पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सर, सोहेल ने बयान दिया था कि मंजू ने पिस्टल से अपने आप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस पिस्टल के ऊपर भी मंजू के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। बट इन अ स्टेटमेंट, सोहेल के लॉयर ने मीडिया के सामने बड़ी ही इलॉजिकल सफाई दी थी। देखिए, हमें लगता है कि मर्डर वेपन के साथ इन्वेस्टिगेटिव टीम ने मिसहैंडल किया होगा, और ऐसे भी मंजू ने सुसाइड किया, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया। आइए। लेकिन सर, मंजू के पेट पर 2 बार चाकू से वार किए गए थे, और जो टी शर्ट उसने उस वक्त पहनी हुई थी, उस टी शर्ट पर कोई भी कट का निशान नहीं था। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना टी शर्ट फटे चाकू पेट में घुसा? सर, उसके बाद उसे जिस नर्सिंग होम में सबसे पहले ले जाया गया था, वहाँ के डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट में कहा था, डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बचा लीजिए। क्या हुआ है इन्हें? कुछ खा लिया उसने। और ये खून कैसा? कुछ नुकीली चीज लगी होगी, आप देखिए ना प्लीज। We'll check, don't worry. लेकिन सर, सोहेल ने सफाई दी थी कि डॉक्टर ने मौसमी के लॉयर के शह पर झूठा बयान दिया था। सोहेल ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि मंजू ने खुद पर हमला उनके घर के अंदर ही हॉल में किया था, और वो वहीं गिर गई थी। फिर वहीं से 2 कांस्टेबल्स की मदद से वो उसे हॉस्पिटल ले गया था। लेकिन पुलिस को उनके घर के अंदर उनके बेडरूम में चद्दर पर ये ब्लड के स्पॉट्स मिले। लेकिन इसके काउंटर में भी सोहेल ने एक और बयान दिया था। सर, मंजू हैज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मुझे लगता है कि बेड पे वो धब्बे उसी के होंगे। वॉश बेसिन के सिंक पाइप में ब्लड ट्रेसेस थे, मतलब हाथ धोते हुए ब्लड सिंक पाइप में गया होगा। सर, पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे तैयार की, इसलिए ये माना गया कि मंजू ने सुसाइड किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि मंजू के हाथ पे खरोंच के निशान भी थे, और इसे भी बड़ी स्मार्टली काउंटर किया गया था। हाँ सर, जब मैं मंजू से पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त उसके हाथ पे खरोंच आई थी। अगर पिस्टल को लेकर छीना झपटी हुई थी, तो पिस्टल पर किसी के उंगलियों के निशान तो होने चाहिए थे, लेकिन पिस्टल पर दोनों में से किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं थे। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, उसी से सब क्लियर होगा। आपकी वाइफ की मौत के 14 साल बाद आप पे उनके मर्डर दफा 302 के तहत केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? वही जो मैं इतने साल से कह रहा हूं कि मैं बेगुनाह हूं। देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ सही को गलत साबित करने की साजिश है मेरे खिलाफ जी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और मेरी बेटी से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। जैसा कि अभी आपने देखा, सोहेल समसी ने मंजू मर्डर केस में अपना पूरा व्यू रखा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन विवेक के साथ आनंद सिंह। बहुत अच्छा था पापा, बट पापा वाई डोंट दे अंडरस्टैंड, आप मम्मा से कितना प्यार करते थे, वो लोग बार बार एक ही बात क्यों पूछते हैं? बात क्या है ना बेटा, हमारा इंडियन लॉ सिस्टम, हमारा संविधान इतना महान है कि वो सबको अपनी बात कहने की, हर किसी को अपना मत रखने की आज़ादी देता है, लेकिन झूठ चाहे जितने भी डंके बजा ले, सच की आवाज़ नहीं दबा सकता। आई नो दिस पापा, एंड आई बिलीव आप सिर्फ सच के लिए लड़ते हैं, झूठ आपको नहीं हरा सकता। हाँ बेटा, यही तो मेरी ताकत है, तुम
और मेरे चाहने वाले मेरे ना चाहने वालों से ज्यादा हैं। सर, मैंने बार बार कहा है कि सोहेल ने ही मंजू का मर्डर किया है, एंड दिस इज ट्रू। चलिए मान लेते हैं कि सोहेल ने ही मर्डर किया है, लेकिन इतने सालों में भी ये प्रूफ क्यों नहीं हुआ? और आपको क्या लगता है मंजू के मर्डर की वजह क्या है? कि सोहेल ने उसे दहेज मांगा था? सर, इसके अलावा भी एक और मोटिव था सोहेल के पास, और उसी को लेकर मैं आपसे मिलने आई हूँ। सर, सुहेल की पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी है। उसने यूके में फॉर्ज डिग्री के बेसिस पर जॉब की थी। सर, ये उसका नकली पासपोर्ट। उसने वहाँ लोन लिया था और उसका क्रेडिट कार्ड भी था। ही वॉज डिफॉल्टर देयर, और वो वहाँ गबन करके इंडिया वापस चला आया था। ये एविडेंस हम नेक्स्ट हियरिंग में कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। सर, मुझे पूरा यकीन है मंजू उसकी ये फ्रॉड इमेज दुनिया के सामने लाना चाहती थी, इसीलिए उसने मंजू का मर्डर किया। सर, मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जिन 5 डॉक्टरों की टीम एग्जामिन कर रही थी, उनमें से 3 का ये मानना है कि उसकी इंजरी सेल्फ सस्टेन नहीं है, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मंजू की मौत के बाद 17 साल की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने सोहेल के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। सोहेल शमशी इज नॉट ओनली अ फ्रॉड, बल्कि उसने अपनी वाइफ मंजू शमशी को हमेशा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया। पब्लिक की नजर में सोहेल शमशी ने हमेशा अपनी इमेज कानून की रक्षा करने वालों की बनानी चाहिए, लेकिन खुद अपनी पत्नी की हत्या कर उसे सुसाइड साबित करने के लिए कोर्ट को गुमराह किया। दिस कोर्ट फाइंड्स हिम गिल्टी अंडर आईपीसी सेक्शन 302। सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बेगुनाह हूं, मैंने मंजू को नहीं मारा। आई चैलेंज द वर्डिक्ट इन हाई कोर्ट। I'll challenge the verdict. I'm innocent. सर, कोर्ट में क्या फैसला सुना आपने? मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। सर, सुनिए तो। I'll challenge the verdict in high courts. I'll challenge the verdict. I'm innocent. अदालत अपना फैसला सबूतों और गवाहों के आधार पर करती है, लेकिन 12 फरवरी 2000 की रात को सोहेल के घर के बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ था, इसका सच सिर्फ सोहेल जानता है। सोहेल ने इस वर्डिक्ट के खिलाफ दोबारा अपील करने की बात कही है, जिसमें यह माना गया है कि सोहेल ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। और अगर सोहेल ने हत्या की थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शख्स को अपनी ही पत्नी का हत्यारा बना दिया था? कहते हैं कि बुरे से बुरे इंसान में भी कोई ना कोई अच्छाई और अच्छे से अच्छे इंसान में भी कोई ना कोई बुराई जरूर होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अच्छाइयों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर बुराइयों की गर्त में गिर रहे हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।